बांग्लादेशी डॉक्टर रिजवान का कबूलनामा, हवाला का करता था कारोबार। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कानपुर के मूलगंज में परिवार के साथ पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान हवाला का काम करता था। इसका खुलासा उसने पुलिस के सामने कलमबंद बयान के दौरान किया। बयानों में डॉक्टर रिजवान ने बताया कि हवाला कारोबार में उसका साथ ससुर खालिद देते थे। हवाला के पैसे इधर उधर करने के लिए वह पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया की यात्रा करता था। मूलगंज पुलिस ने रविवार को आर्यनगर से डॉक्टर रिजवान को परिवार संग पकड़ा था। उसके बांग्लादेशी होने के बावजूद सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मनु रहमान ने लेटर हेड पर उसे भारत का मूल निवासी बताया था। इन्हीं लेटर पैड के जरिए डॉक्टर रिजवान और उसके परिवार का आधार, पासपोर्ट और अन्य भारतीय दस्तावेज बने थे। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने उसके आर्यनगर स्थित फ्लैट से 14,56,400 रुपए, 101 अमेरिकन डॉलर, जिसमें से 100 डॉलर के 10 नोट व 1 डॉलर और करीब 35 लाख रुपए कीमत के जेवरात बरामद किए थे। वहीं डॉक्टर रिजवान से पूछताछ के दौरान पुलिस ने जब बरामद रुपए और जेवर के बारे में आय का जरिया पूछा तो उसने बताया कि वह हवाला का कारोबार करता है। इसके चलते वह कई देशों, पाकिस्तान, थाईलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश की यात्रा करता है। हवाला के इस कारोबार में ससुर खालिद मजीद भी साझेदार हैं। खालिद हवाला के रुपयों का आदान प्रदान करता है। उसके पास से जो रुपए और जेवरात बरामद हुए हैं वह हवाला के जरिए ही आए हैं। पिछले माह 15 नवंबर को भी हवाला के काम से हैदराबाद से हवाई यात्रा करते हुए बांग्लादेश गया था। पुलिस ने उसके बयानों को वीडियो रिकॉर्डिंग कर सुरक्षित रखा है, जिसे वह साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश करेगी। वहीं खालिद मजीद ने अपने बयानों में बताया कि उसका दामाद डॉक्टर रिजवान, बेटी हिना व उसके बच्चे रुखसार 21 वर्षीय, दो नाबालिग बेटे बांग्लादेश के निवासी हैं। उनका फर्जी आधार कार्ड पार्षद मन्नू रहमान व विधायक इरफान सोलंकी के पत्र की बदौलत बनवाया था। मैं, मेरा दामाद रिजवान मोहम्मद हवाला का कारोबार करते हैं, इसलिए उसने भारत का फर्जी आधार कार्ड बनवाया और विधि विरुद्ध तरीके से शहर में रह रहे थे। बयानों के आधार पर पुलिस हवाला कारोबार से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक डॉक्टर रिजवान के घर अक्सर महंगी गाड़ियां आती थी। पूरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। हवाला कारोबार के तहत धन अनाधिकृत रूप से एजेंटों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरण होता है। ये पैसों का लेन देन गैर कानूनी है, जिसे हुंडी भी कहा जाता है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष हवाला कारोबार का आकार 20 से 25 अरब डॉलर का है। हवाला ब्रोकर्स के बीच ट्रांजैक्शन प्राइमिसरी नोट्स के बिना होते हैं, क्योंकि हवाला सिस्टम काफी हद तक विश्वास और ब्रोकर्स की बुक्स की बैलेंसिंग पर आधारित होता है। बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान के मामले में पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की। पुलिस ने 14 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है। गुरुवार को रिमांड पर कोर्ट सुनवाई करेगी। रिमांड मिलने पर पुलिस सबूतों के लिए डॉक्टर रिजवान को दिल्ली और पश्चिम बंगाल भी ले जा सकती है। सूत्रों के अनुसार पुलिस इस मामले में 2 दिन पहले ही रिमांड के लिए अर्जी देने वाली थी, लेकिन इस बीच डॉक्टर रिजवान के दूसरे बेटे का पता लग गया था। पूछताछ में उसने भी कई तथ्य बताए, जिसको जांच में शामिल किया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस डॉक्टर रिजवान द्वारा बनाए गए फर्जी कागजातों का लेखा जोखा भी एकत्रित करेगी। सोशल मीडिया पर लिखिए हापुड़ हलचल और देखिए हमारी ये खास खबरें सिर्फ हापुड़ हलचल पर।